हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है फिलोसॉफिकल सीरीज में। मैं हूं श्री चैतन्य चंद्र दास। तो हुआ ऐसे, एक बार एक जो लड़का था वो अपनी पढ़ाई करने के बाद कुछ साल उसने जॉब किया और फिर भक्तों के संग में जब आया तो उसको इतनी प्रेरणा मिली कि उसने मंदिर, इस्कॉन का मंदिर ज्वाइन कर लिया। वो ब्रह्मचारी बन गया और फिर पीडीसी ट्रेनिंग लेने लगा और ब्रह्मचारी के जैसा जीवन जीने लगा, सब कुछ छोड़ के। उनके जो पिताजी थे और उनकी माँ थी वो इतनी खुश नहीं थी कि मेरे बेटे ने ये इंजीनियरिंग किया, फिर नौकरी किया और अब हमको छोड़ के वो इस्कॉन में ब्रह्मचारी बन गया। तो इसलिए उनके जो पिताजी थे वो खुश नहीं थे। तो एक बार उनके पिताजी, उस ब्रह्मचारी के पिताजी, इस्कॉन के मंदिर पहुँच गए और इस्कॉन के मंदिर पहुँच के वो प्रेसिडेंट से मिले, टेम्पल प्रेसिडेंट से। तो टेम्पल प्रेसिडेंट से बोलने लगे, कंप्लेन करने लगे कि क्या है आपका इस्कॉन, मेरे बेटे को आपने ले लिया और बेटा अभी हमको छोड़ के क्या कर रहा है, ब्रह्मचारी बन गया, भगवान की सेवा कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो ये उम्र जो है, ये जो यंग एज है 25-26 साल, इसमें उसने ब्रह्मचारी ज्वाइन किया, ये तो एज क्या है, अभी तो उसने मौज करना चाहिए। और जब मेरे जैसा हो जाएगा, मेरे उम्र का हो जाएगा, उस समय उसने आश्रम ज्वाइन करना चाहिए, उस समय मंदिर ज्वाइन करना चाहिए, वो उम्र होती है मंदिर ज्वाइन करने की। तो टेम्पल प्रेसिडेंट बोले ठीक है, तो क्या कीजिए, आपके बेटे को हम छोड़ देते, आप यहाँ पे रह जाइए, आपके उम्र के जब होते हैं तो भक्ति करनी चाहिए, मंदिर ज्वाइन करना चाहिए, ऐसे आपने बोला, तो फिर आप यहाँ पे रह जाइए और आपके बेटे को हम छोड़ देते। तो वो फिर सोचने लगा, अरे हाँ क्या। तो बोले ठीक है, मैं जरा थोड़ा सोच के बताता हूँ, मैं जरा घर पे जो है मेरे पत्नी से पूछ के आता हूँ। तो फिर वो पिताजी चले गए घर पे और फिर बात किए पत्नी से और अगले दिन आ गए फिर से टेम्पल प्रेसिडेंट को मिलने के लिए। और टेम्पल प्रेसिडेंट को बोले कि क्या है कि मेरे बेटे को भी रख लीजिए, मैं तो नहीं आ सकता, और वो चले गए। तो देखिए, हर किसी को लगता है कि ये उम्र नहीं है भक्ति करने की, ये उम्र नहीं है, अभी तो क्या है, अभी तो मौज करनी चाहिए, अभी तो एंजॉयमेंट, दिस इज टाइम फॉर एंजॉयमेंट, भक्ति तो बाद में कर सकते हैं, बाद में कभी भी कर सकते हैं भक्ति, ऐसा लगता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि ऐसे हमको लगता है कि भक्ति अभी करनी चाहिए, अभी समय हो गया भक्ति करने का, ऐसा कभी भी नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा अभी तो मैं बस 20 साल का ही हूँ, अभी तो सिर्फ 30 साल का ही हूँ, अभी तो सिर्फ 40 साल का ही हूँ, अभी तो सिर्फ 50, अभी तो सिर्फ 60 ही हो गया, अभी तो सिर्फ 70 साल का ही हो गया, अभी तो सिर्फ 80 साल का हो गया और बहुत जिंदगी है भक्ति करने के लिए। तो ऐसा कभी भी नहीं लगेगा हमको कि अभी समय है भक्ति करने का, हमेशा ऐसा लगता है कि बाद में करेंगे। तो भक्ति अभी करनी चाहिए, कौमारम आचरेत प्रग, यानी अभी, नाउ, जस्ट नाउ वी शुड स्टार्ट डिवोशनल सर्विस। भक्ति, भक्ति मीन्स कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एन इमरजेंसी, ऐसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि अभी भक्ति शुरू करो, जब भी चांस मिला, जब भी मौका मिला, That time you should start bhakti, क्योंकि death can come at any time. Thank you very much. Hare Krishna.